नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। सिवनी मालवा विकास खंड में शिक्षक किस प्रकार अपनी अपनी शालाओं में नई राह बनाते हुए बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक लॉरे फाउंडेशन व डाइट केंद्र पचमढ़ी एवं जिला शिक्षा केंद्र के तत्वाधान में शासकीय कया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मालवा में राह बनाते शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास खंड के विद्यालयों की शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा ने अपने अनुभवों, नवाचारों, केस स्टडी, लघु शोध, नए विचारों को एक एक कर पटल पर रखा गया, विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाकर सुधार किया। कार्यक्रम में एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार दिनेश सांवले, प्रभारी बीआरसी संतोष शर्मा, एक लौवे संस्था से श्रीमती नंदा शर्मा सहित सभी जनवरी शिक्षक उपस्थित रहे। होशंगाबाद जिले के सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने पिछले दिनों ब्लॉक स्तर पर अपने सकारात्मक अनुभवों, नवाचारी कामों के साथ रचनात्मक चिंतन किया। कुछ चयनित कामों को 22 जनवरी को सिवनी मालवा विकास खंड के शासकीय कया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सम्मानित किया गया। शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है, जिसे हमारे शिक्षा शास्त्री थे मतलब गिजू भाई, वो बोलते थे कि मैंने सुना भूल गया, मैंने देखा याद रहा, मैंने करके देखा समझ गया। तो हम बच्चों को इकाई दहाई बोर्ड पे समझाते हैं तो बच्चे कई बार उनकी इमेज नहीं बन पाती है उनके दिमाग में, तो वो मतलब भूल जाते हैं। तो हमने उसको प्रैक्टिकल बताया है कि एक डालना है तो इकाई का स्थान जे है, स्थान का महत्व होता है, इकाई का स्थान जे है, एक मोती डाल दिया और उसको इमेज बता दी कि ये तुम्हारे सामने एक चीज है। जैसे हमने दहाई, दहाई किसको कहते हैं, 10 के समूह को दहाई कहते हैं, तो दहाई का एक मोती दहाई के स्थान में डाल दिया तो जो होगी 10 और एक 11, उसको ये प्रैक्टिकली बताना कि ये एक 10 का बंडल है और एक खुल्ला, ये 10 और एक 11 है। अब जैसे हमने उसको 100 बताया कि ये 100 का बंडल है तो 100 का मोती सैकड़ा के स्थान पे आएगा तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 110 और ये 111, ये भी बता रहे हमारा 110 और 1, 110 एक 11, 110 और एक 11। ऐसे हम बच्चों को 1000 का बताएंगे, 1000 का मोती 1000 के स्थान पर डाला तो 1000 की जो इमेज है मतलब कि 100 के 10 बंडल 1000 बनाते हैं, तो ये 1000 का मोती डाल दिया हमने, तो बच्चों को दिमाग में आएगी कि 1000 इतना होता है। तो ये वाली गिनती आपके सामने जो गिनतारा एबकस बना रहा है, 1000 111, ठीक है सर। शिक्षा विभाग डाइट पचमढ़ी, जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक एक लौवे फाउंडेशन के द्वारा शुक्रवार को शासकीय कया विद्यालय के सभागार में विकास खंड स्तरीय राह बनाते शिक्षक कार्यक्रम के तहत जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के ब्लॉकों से चयनित हुए शिक्षकों का सम्मेलन में शिक्षकों ने एक से बढ़कर एक शिक्षा प्रद मॉडल बनाकर लाए, जिसे पूरे हाल से लेकर कक्ष के बाहर तक प्रदर्शनी लगाई गई। आज ये किस तरीके का आयोजन किया गया है? ये राह बनाते शिक्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिक्षकों के शैक्षिक अनुभवों को एक मंच देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये एकलव फाउंडेशन की ओर से, जहां हम पूरे जिले होशंगाबाद जिले में काम कर रहे हैं और इस होशंगाबाद जिले में हम 180 मोहल्ला केंद्रों का संचालन राज्य शासन की तरफ साथ मिलकर कर रहे हैं, और ऐसे ही माध्यमिक शाला में 400 बच्चों को भी हम ऑनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। इन सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक जो मोहल्ला केंद्र संचालित कर रहे हैं उनके अकादमिक अनुभव को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। इसी तरह पिछले साल भी शिक्षकों के अनुभव को लाया गया था, उससे ये उपलब्धि रही कि जिले के 3 शिक्षकों का चयन भाषा शिक्षण कार्यक्रम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बैंगलोर ने संयुक्त कार्यक्रम किया था। यहाँ से 3 शिक्षकों का चयन राह बनाते शिक्षक कार्यक्रम में किया गया था, और इस पूरे प्रक्रिया में एकलव्य की जो किताब है, जो शिक्षकों के लिए ही बनती है, उस किताब में भी इन शिक्षकों के अनुभवों को शामिल किया गया था। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये कि शिक्षकों का एक मनोबल बढ़े, शिक्षक इतनी शिद्दत से जहाँ काम कर रहे हैं इंटीरियर एरियाज में, उनके अनुभवों को और शिक्षक पढ़े, सुने, देखे तो एक मोटिवेशन बना रहे शिक्षकों के अंदर। तो ये एकलव फाउंडेशन लगातार इसकी प्रक्रिया कर रहा है,
और राज्य शिक्षा केंद्र के साथ मिलकर हम इस पूरे काम को कर रहे हैं। शुक्रिया। परिवार जो वहाँ के उनसे भी हम मदद लेंगे।